Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to be doing a pink look, and for that I'm going to be using the Florence palette from Beautify by Amna, and this is a beautiful palette. All of their eyeshadows are just amazing, so I'm just going to be taking this light pink shade, and obviously you all know that I go from light to dark, so I just took a light pink shade and I put it all over the crease. And उसके बाद एक purple, deep purple shade लेके और मैंने अपने outer corner पे से उसको अंदर drag करना start किया in obviously circular motions ताकि patches ना हो और अच्छे से eyeshadows जो है वो blend हो जाएं. I'm doing that on both of the eyes. At this point मुझे पता नहीं था कि मैं क्या look करने वाली हूँ. I was just go with the flow वाली situation थी. So उसके बाद ये pinkish shimmer eyeshadow मैंने लिया and then I just put it all over my lid. क्योंकि यहाँ तक मैंने यही सोचा था कि I am just going to be keeping it shimmer तक, लेकिन afterwards I decided to go in with glitter, which you're gonna see just in a moment. So I'm just building the shimmer up अच्छे से ताकि आई जो है कम्प्लीट लगे. एंड देन आई थॉट कि यार ये जो ब्राइट पिंक सी ग्लिटर है इसको भी यूज़ करते हैं. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उसको उंगली पे लिया एंड आई वाज जस्ट डैबिंग इट ऑल ओवर माय आई. कोई ग्लिटर ग्लू नहीं यूज़ करी, कुछ नहीं करी. द ग्लिटर्स आर वेरी नाइस, बट थोड़ा सा शिमरी और थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक देने के लिए मैं सिर्फ उसको जो है ना डैब कर रही थी. एंड आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि जो जितने भी गैप्स बीच में आ रहे हैं वो सारे फिल इन हो जाएं. एंड देन आई वेंट इन विद दिस डार्क बुगंडी शेड एंड देन आई जस्ट मैंने इसको आउटर कॉर्नर पे अच्छे से लगा रही थी. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो है ना ये वाला जो शेड है ये इस लुक को कंप्लीट नहीं कर रहा उस तरह से. तो आई वेंट अहेड विद ब्लैक और ब्लैक थोड़ा सा मैंने एंड साइडों में दे के एंड देन उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया तो वो लुक कम्प्लीट हो गया. उसके बाद आई जस्ट वेंट इन विद द एसेंस का ये लिक्विड आईलाइनर. तो ग्लिटर के ऊपर ही आईलाइनर थोड़ा सही से बैठ नहीं रहा था, लेकिन मैंने कोशिश करके इसको कर दिया एंड देन आई पुट अप लैशेस एंड दैट्स द आई लुक कम्प्लीटेड. उसके बाद फेस को मॉइस्चराइज करके एनास्टाजिया बेवरली हिल्स की ये फाउंडेशन है जो कि आई थिंक पता नहीं अब अवेलेबल है या नहीं, बट आई रियली रियली लाइक इट. तो मैंने ये फाउंडेशन जो है अपने पूरे फेस पे अप्लाई करी अच्छे से. और वैसे यूजुअली मैं ब्रश से अप्लाई करके और फिर ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ, लेकिन ब्रश पता नहीं कहीं आसपास था नहीं. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ब्लेंडर से ही इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि पहले ब्रश से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लो, ठीक है, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से उसको जो है ना उसकी स्ट्रीक्स जो भी हैं या जो भी जहाँ से भी ब्लेंडेड नहीं लग रहा या थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए ब्लेंडर यूज़ करो. बिकॉज जब मैंने ब्लेंडर से डायरेक्टली फाउंडेशन लगाई है तो मुझे ये फील हुआ कि इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम और बहुत सारे गैप्स बीच में रह रहे थे, बहुत सारा स्पेस रह रहा था, दैट्स व्हाई. उसके बाद ये टू फेस का बॉर्न दिस वे कंसीलर है. ये कंसीलर मैं अपनी अंडर आइज पर यूज़ कर रही हूँ और इट इज़ नॉट सम कंसीलर जो कि बहुत ब्राइट हो तो काफ़ी मेरी अंडर आइज और एरियाज ब्राइट हो. मैंने बस सेटल रखने के लिए अपनी स्किन टोन से करीब का ही कंसीलर लिया एंड देन आई जस्ट पुट इट ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ माय फेस जहाँ पे मुझे कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है और फिर वहाँ पे मैंने उसको लगा के एंड आई ब्लेंड इट आउट विद द सेम ब्लेंडर. या सो नाउ फॉर द फेस पाउडर आई एम यूजिंग O2 का फेस पाउडर. यू कैन यूज़ एनी पाउडर दैट यू लाइक. थोड़ा सा ड्यूई मुझे लुक चाहिए था इसलिए मैंने लूज पाउडर यूज़ नहीं किया, क्योंकि लूज़ पाउडर जब आप बेकिंग करते हैं तो थोड़ा सा मैट लुक आ जाता है. सो आई जस्ट डस्टेड माई फेस लिटिल बट विद दिस पाउडर. उसके बाद बी ब्यूटी का कॉन्टोर किट मैंने यूज़ किया है और कॉन्टोर शुरू में जो है ना वो मैं रफली प्लेस करती हूँ, ठीक है, तो आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा लग गया है, लेकिन देन आई गो ऑन विद द ब्रश एंड आई कीप ब्लेंडिंग इट फॉर अ वाइल ताकि कॉन्टोर जो है वो सीमलेस हो और ब्यूटीफुल लगे. उसके बाद फ्लोरेंस कलेक्शन की ये पैलेट है एंड देन आई एम जस्ट टेकिंग दिस ब्लश वाला शेड एंड जस्ट अप्लाइंग इट ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ माय नॉट द हाई पॉइंट्स माय चीक बोन्स एंड अ लिटिल बिट ऑन माय नोज बिकॉज आई लाइक दैट रोजी रोजी लुक ऑन माय नोज एज वेल. उसके बाद लोअर लैश लाइन के लिए ना ये कुछ डिफरेंट कलर मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही थी. तो ये एक पर्पलिश सा कलर था शिमर शेड, पहले मैंने वो अप्लाई किया तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा ना ये शो अप ज़्यादा नहीं हो रहा तो आई नीड सम अदर कलर एज वेल. तो इस पैलेट में ना पेस्टल कलर्स भी बहुत खूबसूरत थे. तो ये लाइलैक सा पेस्टल कलर था
पता नहीं लाइलैक कहेंगे, पर्पल कहेंगे, आई डोंट नो, लेकिन ये वाला कलर मैंने अपनी आंखों के नीचे उसको अच्छे से फिर मैट वाले को, शिमर वाले के ऊपर लगाया, एंड इट लुक्ड रियली ब्यूटीफुल। मतलब एक आई जो है वो कंप्लीट सी लग रही थी, कलरफुल सी लग रही थी। एंड देन आई वेंट इन विद द मिलानी हाईलाइटर एंड आई जस्ट अप्लाई इट ऑन ऑल द हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस। सो उसके बाद शी ग्लैम की ये लिपस्टिक थी। इसके साथ आप कोई भी लिप कर सकते हैं, यू कैन गो इन विद अ न्यूड लिप, यू कैन गो इन विद अ ब्राइट पिंक लिप। आई जस्ट फेल्ट के ये वाला पिंक लिप ज़रा से ज़्यादा अच्छा लगा था। दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट। इफ़ यू डिड गिव दिस अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल बिफोर यू लीव इफ़ यू हैवेंट, और लुक्स मुझे बताएं कॉमेंट्स में, आप किस टाइप के लुक्स देखना चाहते हैं। दिस वॉज इंस्पायर्ड बाई वैलेंटाइंस डे, बट मैं पोस्ट लेट कर रही हूँ तो कोई नहीं, पिंक लुक कहते थे इसको। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ यू गाइज, बाय बाय।